मित्रों नमस्कार 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 दोस्तों, देरी से थोड़ा हो गया, ट्रेवलिंग में था। नमस्कार नमस्कार कई साहब, मैं इसलिए थोड़ा सा देरी से किया था प्रोग्राम कि मैं पहुंच जाऊंगा, फिर भी थोड़ा विलंब हो गया। आ रही है सर आवाज, आवाज आ रही है सर। एक बच्चा थोड़ा पंखा बंद करो, पंखा कम कर लो, अब पंखा की वजह से आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मित्रों नमस्कार, आज के शाम के में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। थोड़ा विलंब हो गया, उसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपसे क्षमा याचना करते हैं। उसे टाइम का पाबंद आदमी हो, टाइम पे आता हूँ, आज के थोड़ा सा देरी हो गया है, ट्रैफिक में था, इसीलिए हमने प्रोग्राम, मुझे मालूम था कि मैं लेट हो जाऊंगा, इसीलिए मैंने 8:30 की जगह 9 बजे रखवाया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं 5 मिनट और भी लेट हो जाऊंगा। दोस्तों आज का कार्यक्रम है शुभारंभ, शुभारंभ नए फाइनेंशियल ईयर का। नए फाइनेंशियल के शुभारंभ के ऊपर हमने 2-3 पहले ही टॉपिक ले चुके हैं, और आज का कार्यक्रम हमने बताने की कोशिश किया था आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों मैं सच बात बता रहा हूं, मैंने टर्म इंश्योरेंस के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाया हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा गौर नहीं, डीप नहीं दे बता पाऊंगा आपको, लेकिन मैं मुख्य रूप से वो 10 पॉइंट आपके सामने रखूंगा, जो 10 पॉइंट मेरे मन में अभी भी चल रहा है कि जो प्राइवेट प्लेयर है, प्राइवेट प्लेयर है, वहां का टर्म इंश्योरेंस सस्ता और आपका टर्म इंश्योरेंस महंगा क्यों है। अगर किसी मित्रों को सुनने में दिक्कत आ रही तो आप मुझे प्लीज बताएं। आवाज क्लियर आपकी, क्लियर आ रही है? ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। तो टर्म इंश्योरेंस दोस्तों, जब अमूमन मैं एक प्रैक्टिकल बातें करता हूं कि अगर आपके दुकान में, अगर आपके दुकान आपका, अगर कोई किराने का दुकान है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो अगर आपके दुकान में एक दिन में अगर 10 कट्टा चीनी का सेल होता है, हाँ मित्रों 10 कट्टा चीनी का, सर्वेंद्र भाई साहब आपकी ना, आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, आप स्पीकर ऑन करके बोलिएगा। अगर एक दुकानदार एक दिन में 10 क्विंटल चीनी सेल करता है और उस चीनी का रेट 40 रुपए प्रति किलो है, तो दूसरा दुकानदार जो एक दिन में 100 कट्टा चीनी सेल करता है, तो उसका रेट क्या होना चाहिए? कोई मित्र मुझे कोट कर पाएंगे क्या? अगर एक दुकानदार जो प्रतिदिन 10 क्विंटल चीनी सेल करता है रिटेल में, और दूसरा दुकानदार जो प्रतिदिन 100 क्विंटल चीनी सेल करता है, अगर रिटेल वाला का रेट 40 रुपए प्रति किलो का है, तो जो 100 क्विंटल बेचता है उसका रेट क्या होना चाहिए? आपने सर पूछा कि 10 क्विंटल जो चीनी बेच रहा है, हाँ, उसका रेट पर क्विंटल 100 क्विंटल बेचेगा तो उसका रेट, हाँ, मैं सही पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर, अगर जो दुकानदार 10 क्विंटल चीनी 1540 रुपए पर क्विंटल बेच रहा है जी, अगर 100 बेचेगा तो वो रेट बेचेगा 1540 पर क्विंटल बेचेगा। हाँ सर, जो 10 क्विंटल चीनी 1540 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से बेच रहा है दुकानदार, तो दूसरा दुकानदार अगर 100 किलो चीनी बेचेगा तो भी 1540 का रेट बेचेगा, रेट तो सेम होगा ना सर? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन कुछ और था। हेलो, मेरा क्वेश्चन था कि एक दुकानदार 40 रुपए प्रति किलो चीनी एक दिन में 10 क्विंटल बेचता है और दूसरा दुकानदार 100 क्विंटल चीनी बेचता है, तो उसका रेट डिफरेंटली कम होना चाहिए ना? नमस्कार राजेश भाई जी, मेरा क्वेश्चन फिर से समझ लें। मैं एक कहना चाहता हूं कि जो छोटे छोटे इंश्योरेंस कंपनी हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी महीना में 10, 20, 100, 200 पॉलिसी बेचता है टर्म इंश्योरेंस, तो उसका टर्म इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है वो कम है, जबकि हम बड़े प्लेयर हैं, हम इंडिया का टोटल हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट का 70% के आसपास में बिजनेस करते हैं, तो हमारा टर्म इंश्योरेंस महंगा क्यों है? इसका मैं एक उदाहरण के साथ में आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा था। उदाहरण मैंने एक चीनी की दुकानदार के रूप में आपको बताना चाह रहा हूं, एक चीनी का दुकानदार जो एक दिनों में 10 क्विंटल चीनी खुदरा में बेचता है, रिटेल में बेचता है, तो वो 40 रुपए किलो बेचता है, तो जो 100 क्विंटल चीनी बेचता होगा दुकानदार, वो डेफिनेटली 38 रुपए, 37 रुपए और 35 रुपए किलो बेचता होगा, यस एंड नो? हाँ जी, यस सर, ठीक है जी। अब बात आती है
कि अब खुदरा दुकानदार अगर 100 क्विंटल वाला अगर 35 रुपए किलो बेच रहा है और जो 10 क्विंटल बेच रहा है वो 40 रुपए बेच रहा है, ये बात तो हमें समझ में आती है। लेकिन ये बात हमारे समझ में क्यों नहीं आती है कि एक व्यक्ति जिसका उम्र 35 साल है उसको हम 70 साल तक के लिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो बाकी जो प्राइवेट प्लेयर है वो 6000 से लेकर के 18000 तक का प्रीमियम देता है और हम उसको 24000-25000 प्रीमियम लेते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या निकल के आता है? मैं आप सभी दोस्तों से इस पे ओपिनियन चाहूंगा। फिर से क्वेश्चन को समझ लेने की कृपा करें कि एक प्राइवेट प्लेयर जो कम माल बेच रहा है इंडिया में उसका रेट सस्ता है, 6000 से 18000 रुपया लेता है 1 लाख की 35 साल के एक व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के 70 साल की पॉलिसी के टर्म के लिए, जैसे प्रीमियम पेइंग टर्म 35 साल हुआ, 1 करोड़ का 6000 से लेकर 18000 लेता है, जबकि उसी व्यक्ति की पॉलिसी के लिए LIC सेम टर्म में सेम एज पे सेम व्यक्ति का 20,000, 22,000, 24,000, 25,000 चार्ज करती है। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, मैं आप दोस्तों से सुनना चाहता हूं। जी राजेश जी, सर क्लेम रेशियो ऑफ LIC मच बेटर देन प्राइवेट प्लेयर्स। क्लेम रेशियो की बात कर रहे हैं आप? जी ठीक है, क्लेम रेशियो ऑफ LIC मच बेटर देन प्राइवेट प्लेयर। अच्छा मैं आपको बात बताता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है मित्रों, उसको बोलते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ध्यान रखिए मेरे शब्दों को, पर ध्यान रखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो IRDA जो फिगर जारी करती है, अगर इंडिया में एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है ABCD और उसके पास 100 क्लेम आया और 100 क्लेम में से उसने कितने इंश्योरेंस पर्सन को या कितने नॉमिनी को उसने क्लेम दिया, वो फिगर वहां पे IRDA में जाता है, ना कि ये फिगर जाता है कि एक व्यक्ति की 1 करोड़ की क्लेम राशि थी और उसको 10,000 मिला या 1 करोड़ क्लेम मिला, ये फिगर नहीं जाती है। इस फिगर के लिए आपको एक दूसरा डाटा देखना पड़ेगा, उस IRDA पोर्टल पे नहीं होता है, इंडिविजुअली इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पे होता है कि क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। पॉइंट को नोट किया जाए मेरे दोस्तों, क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। लालाजी मच्छरबत्ती चलाओ। क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो में दोस्तों ये बातें निकल के सामने आ जाती है कि आखिर एक प्राइवेट प्लेयर एक व्यक्ति को 8000 से लेकर 18000 का प्रीमियम दे रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो वहां पे LIC उसको 24-25000 क्यों देता है? कोई मित्र बता सकते हैं क्या अपना अनुभव या उनका कुछ ज्ञान हो इस बारे में? आपसे प्रार्थना करूंगा, आप बोलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज में सही ढंग से नहीं सुन पाता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है आपके नेटवर्क में या मेरे नेटवर्क में। सेटलमेंट अमाउंट रेशियो ऑफ LIC इज मच बेटर देन प्राइवेट प्लेयर्स। ओके ओके ठीक है दोस्तों, कोई दूसरा मित्र अपना पक्ष रख सकते हैं? बहुत गंदी आदतें हैं आप लोगों में बोलने में, पता नहीं क्यों आप लोगों को बुखार चढ़ता है। दोस्त बोलो बोलो, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, बोलिए कोई मित्र। इंश्योरेंस के बारे में आइडिया कम है सर। हाँ जी सर, इंश्योरेंस के बारे में आइडिया कम है सर। हाँ तो सर आप इंश्योरेंस एडवाइजर है ना, तो आपको आइडिया रखना पड़ेगा साहब आपको। जी 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 ठीक है ना, अगर आपको आइडिया कम है, मुझे मालूम है कि आप लोगों को टर्म इंश्योरेंस का आइडिया कम है, लेकिन फिर भी आइडिया नहीं है तो आपको पूछना पड़ेगा ना, क्वेश्चन करेंगे तभी तो आइडिया आएगा। जी जी। और कोई मित्र जो अपनी बात रखना चाहते हो इससे? प्राइवेट प्लेयर बड़े प्लेयर को रिजेक्ट कर देते होंगे। प्राइवेट कंपनियां जो बड़ा प्लेयर होता है जगपाल सर, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे 1-2 मिनट के लिए सिस्टम को फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, 1-2 मिनट समय लूंगा। हेलो जगपाल साहब, प्रार्थना है कि आप फिर से अपनी बात दोहरा दें। जगपाल साहब सर, मैं ये कह रहा हूँ प्राइवेट कंपनियों पर
कुछ बड़ा डिलेम आता होगा तो टर्म कंडीशन लगा के उसको रिजेक्ट कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद जगपाल साहब, ऐसा होता है कंडीशन हर जगह होता है। जगपाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, जिस आंसर की मैं तलाश कर रहा था वो आंसर मुझे मिल गया है आपके द्वारा, मैं इसी आंसर की तलाश में था दोस्तों। ठीक है मित्रों, आज मैं चर्चा शुरू कर लेता हूं। मुख्य रूप से 10 बातों के ऊपर मैं आपके सामने चर्चा रखूंगा, जिसमें कि सबसे पहले बात होगी पॉइंट नंबर 1 प्रीमियम के ऊपर। दोस्तों हम लोग सबसे पहले ग्राहक हैं, और एक ग्राहक का भाव क्या होता है कि जब भी हम खरीदारी करने के लिए बाजार में उतरते हैं तो वहां पे सबसे पहले चीज हम देखते हैं कि सस्ती चीजें कहां से मिलेगी, सस्ती चीजें कहां से मिलेगी। हम जब चीजें कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं, कोई सर्विसेज प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमारा दिमाग, एक ह्यूमन का नेचर जो कहता है, वो हमेशा सस्ती चीजें को लेने के लिए आकर्षित करता है, ध्यान रखें। और जब हमें क्लेम लेने की जरूरत पड़ती है, जब हमें उसकी सर्विसेज लेने की एक्चुअल में जरूरत पड़ती है, तब हम कल्पना करते हैं कि जो मैक्सिमम प्रीमियम वाला सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज हमको दिए जाए। दोस्तों एक आदमी का नेचर है, एक वुमन का नेचर है, और ये बात मैं अपने 22-23 सालों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट कस्टमर को सेल करने के लिए जाते हैं तो वहां पे कस्टमर का जो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हमें सबसे कम प्रीमियम में सबसे बेहतर प्रोडक्ट मिले। और दोस्तों ये इस दुनिया का सबसे कटु सत्य है, सस्ती चीजें अच्छी नहीं हो सकती और अच्छी चीजें सस्ती नहीं हो सकती। तो दोस्तों इस बात को, ये मेरे अनुभव है, ये मेरी वाणी है, अगर आप चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि सस्ती चीजें अच्छी नहीं हो सकती और अच्छी चीजें सस्ती नहीं हो सकती। आप झूठ मूठ को बीच में जितना चाहे कंप्रोमाइज कर लें, चीप एंड बेस्ट जैसा वर्ड बोल के, ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज है दोस्तों, जहां पे भी सस्ता प्रीमियम आता है वहां पे कुछ ना कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है जिसको हमको समझना पड़ेगा आज की सेमिनार, आज की मीटिंग में। दोस्तों होता क्या है कि जैसे आप एक इंश्योरेंस कंपनी है, आपकी इंश्योरेंस कंपनी का नाम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वैसे ही दूसरी तीसरी चौथी पांचवीं दसवीं पंद्रहवीं पच्चीसवीं इंश्योरेंस कंपनी का नाम अलग अलग कंपनी है, अलग अलग बायर है। और बायर किसका है, बायर है रीइंश्योरर का। रीइंश्योरर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जो बल्क में 100 करोड़, 200 करोड़, 5000 करोड़, 10000 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ का आपको इंश्योरेंस कवर परचेज करता है। उसे बात को ध्यान में रखिए, रीइंश्योरर ऐसी कंपनी होती है जो इंडिया में बाहर की कंपनियां होती है, जो रीइंश्योरर इस प्रोडक्ट के लिए फंडिंग करती है, इस प्रोडक्ट को कवर देती है, ध्यान रखें। अब रीइंश्योरर का नाम है XYZ, और उससे खरीदार हम भी हैं, उससे खरीदार एक दूसरी पार्टी भी है, उससे खरीदार और तीसरी पार्टी भी है। तो दोस्तों होगा क्या कि हर पार्टी उससे अपना अपना रेट दे रहा है, तो जब रेट देते हैं तो उसमें बेनिफिट इलस्ट्रेशन एक चार्ट होता है कि क्या क्या बेनिफिट आप अपने कस्टमर को देना चाहते हो, ध्यान रखे पॉइंट को, क्या क्या बेनिफिट देना चाहते हो। इस तरह से 100 बेनिफिट का एक चार्ट होता है, उसमें से बोलता है कि रीइंश्योरर हमारे जैसे जो इंश्योरेंस कंपनी है, आपके जैसे इंश्योरेंस कंपनी या तीसरी चौथी पांचवी जो इंश्योरेंस कंपनी, उसको बोलता है कि आप इस 100 में से क्या क्या बेनिफिट लेने वाले हो, अपने कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट देने वाले हो, आप उस बेनिफिट को ऊपर टिक करो, हम आपको उसके हिसाब से कोटेशन देंगे। दोस्तों क्लियर हो पा रहे हैं क्या? मेरे मित्रों आप क्लियर समझ पा रहे हो क्या जो मैं कहना चाह रहा हूं? समझ पा रहा हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो जब वो आपको कोई उसमें से 100 में से कोई 30 बेनिफिट, कोई 30 कॉलम को टिक करता है, कोई 40 को करेगा, कोई 20 को करेगा, कोई 10 को करेगा और कोई 100 को करेगा, और 100 को जो करना पड़ता है उसमें क्वेश्चन और आंसर होता है। मैं एग्जांपल देता हूं कि आप समझ पाएंगे आराम से इस बात को, कि एक क्वेश्चन होता है, क्या आपका कस्टमर प्लेन से क्रैश होने से उसकी डेथ हो जाए तो उस डेथ को आप नेचुरल डेथ कवर करेंगे, एक्सीडेंटल डेथ कवर करेंगे? दूसरा क्वेश्चन आता है नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, पहले डेथ कवर करेंगे या नहीं कवर करेंगे? तीन क्वेश्चन आ गया दोस्तों उसमें। चौथा क्वेश्चन आता है कि आपका एक ग्राहक जो एक सामान्य व्यापारी है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद का,
और वो व्यापारी इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया क्रॉस करके दूसरे कंट्री में जाता है, क्या आप वहां पे कवर करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं? तो इस तरह से कवर जब आता है तो आपको इस तरह के 100 क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों उसमें। उसमें से एक आता है, क्या कोई विदेशी कंपनी, विदेशी ऑर्गेनाइजेशन, विदेशी किसी दूसरे देश की आपके युद्ध हुआ और उस युद्ध के दौरान कोई ऐसी बमबारी करी गई, कोई ऐसा पक्षपात छोड़ा गया, कोई ऐसा हथियार और गोला बारूद बम छोड़ा गया, क्या उसके द्वारा आपके बीमा धारक की मृत्यु होने पर डेथ कवर देना चाहते हैं? यस एंड नो दोस्तों। इसी तरह के और क्वेश्चन आते हैं कि आपके कोई महिला ग्राहक है और महिला ग्राहक गर्भाधारण के दौरान या प्रेगनेंसी पीरियड में अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसको इंश्योरेंस कवर आप देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, यस एंड नो। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आता है दोस्तों तो आपके कस्टमर अगर कोई जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करता है और या इंडियन ट्रैफिक रूल को पालन नहीं करता, ऐसा टेक्निकल वर्ड दिया हुआ है दोस्तों, इंडियन ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करता है, तो उस ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करने की दशा में आप उसको क्लेम देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं? इस तरह से दोस्तों 100 क्वेश्चन का सेट है, 100 क्वेश्चन है आप एग्जांपल के तौर पर समझ लें, और उसमें से जो जैसा ठीक करके देगा उसके हिसाब से उसको कवर मिलने वाला है। मुख्य रूप से दो कवर होता है, एक होता है नेचुरल डेथ कवर और दूसरा होता है एक्सीडेंटल डेथ कवर। दोस्तों ध्यान रहे, नेचुरल डेथ कवर और एक्सीडेंटल डेथ कवर टर्म इंश्योरेंस में दोनों कवर अलग अलग पार्ट हैं, ध्यान रखें दोनों प्रोडक्ट अलग अलग पार्ट के रूप में टर्म इंश्योरेंस में आता है, और टर्म इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम होता है उस प्रीमियम के ऊपर 18% का जीएसटी इंडिया में सारी इंश्योरेंस कंपनी चार्ज करती है, और जीएसटी के ऊपर हमारा और आपका कोई भी कमीशन या इनकम नहीं होता है। दोस्तों इस ढंग से देखेंगे तो जब आप कैलकुलेट करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी में, एक बहुत ही मेरे अनुभवी मित्र ने, जगपाल सिंह करदम साहब ने ये बात रखी है कि वहाँ पे अलग अलग बहाना बनाया जाता है क्लेम नहीं देने का। दोस्तों मेरे पास कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो आपको मीडिया में भी मिल जाएगा। आयुष जी थोड़ा म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज, आयुष, मिस्टर आयुष। तो मीडिया में आपको, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और अलग अलग सोशल मीडिया में भी आपको मिल जाएगा कि किस इंश्योरेंस कंपनी ने किस किस तरह से गंदे गंदे हरकतें और इल्जाम लगा करके क्लेम को रिजेक्ट किया है। और दूसरा उदाहरण, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप जाके देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ में टोटल कितने केस चल रहे हैं, मैं सर्वे करने की बात कर रहा हूं आपसे, तो आप देखेंगे अगर 100 केसेस चल रहे हैं ना तो उसमें से 70 से 80 केसेस सिर्फ टर्म इंश्योरेंस के उन प्राइवेट प्लेयर के खिलाफ में चल रहा है उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां पे उनको जजमेंट के लिए उनके नॉमिनी को कोर्ट की दर दर भटकने पड़ती है। दोस्तों मैं ऐसा नहीं कहता कि भारतीय जीवन बीमा निगम बहुत पाक साफ है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, इतना जरूर आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि भारतीय जीवन बीमा निगम की अधिकर्ता, मैनेजमेंट या ऊपर के लेवल को लोगों को कभी भी ये उद्देश्य नहीं होता है कि किसी का डेथ क्लेम को हम रोका जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहने जा रहा हूं दोस्तों कि LIC के अंदर कोई क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर नाम का पोस्ट है ही नहीं। जो प्राइवेट प्लेयर में क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर का एक पोस्ट होता है, और उसका पोस्ट ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह कि हमारा आपका पोस्ट यहां पे बिजनेस डेवलपमेंट का है। इंश्योरेंस के लिए हम और आप सारे दोस्त मिलकर के अपना अपना बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं, और बिजनेस डेवलपमेंट जो करेंगे उस बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर हमको और आपको कुछ ना कुछ अपना अपना इनकम आता रहेगा कॉर्पोरेशन के नियमावली के हिसाब से। दोस्तों ठीक इसी तरह के पैरेलल पैरामीटर प्राइवेट प्लेयर के पास में एक क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर का होता है, और उस ऑफिसर का काम सिर्फ ये होता है कि किस तरह से इस क्लेम को नोच लिया जाए, झपट लिया जाए और नॉमिनी के हाथों से छीन करके इंश्योरेंस कंपनी के गोद में डाल दिया जाए, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी को कम से कम अमाउंट क्लेम देना पड़े। दोस्तों इसके लिए मुख्य रूप से 10 हथकंडे अपनाए जाते हैं प्राइवेट प्लेयर के द्वारा, जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसमें सबसे पहला हथकंडा होता है दोस्तों कि जब इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे या आपके किसी मित्र को इंश्योरेंस दिया था, उस समय उनका एनुअल इनकम
इतना अमाउंट था, मान लेते उनकी 10 लाख की आईटीआर फाइल करती थी, अब जब उनकी डेथ हुई उस समय उनकी आईटीआर फाइल नहीं होती थी, तो इंश्योरेंस कंपनी पहला ब्लेम डालता है कि हमने तो आपके बीमा धारक को या आपके पति को या आपके पिता को या आपके भाई को ये समझ करके दिया था कि आप 10 लाख का इनकम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 3 साल का आईटीआर हमें दिया था और उस 3 साल के आईटीआर में हर साल उनका इनकम ग्रोथ कर रहा था, तो हमने ये इज्यूम किया था कि आगे आने वाले साल दर साल उनका इनकम ग्रो करेगा, लेकिन जब उनकी डेथ हुई उस साल में तो उनका इनकम ही नहीं था और उन्होंने आईटीआर भी फाइल नहीं करी। इसलिए जो आईटीआर फाइल नहीं करी के ग्राउंड पे आपके नॉमिनी का क्लेम अमाउंट सिर्फ 8,90,000 बनता है, न कि करोड़ रुपया। अब आपके सामने दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप अपने ये सारे कागजात को लीजिए और कोर्ट में 25 साल 20 साल 15 साल तक आप हमारे खिलाफ में लड़िए, और दूसरा ऑप्शन है कि 8,90,000 का एक क्लेम अमाउंट सेटलमेंट हम कर रहे हैं और वो भी आपके ऊपर तरस खा के कर रहे हैं, आपके ऊपर दया भावना रख के कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपकी हालात घर की देखी है, मुझे आपकी घर की हालात देखी नहीं जाती है, इसलिए मैं आपको ये अमाउंट सेटलमेंट करने के लिए बोलता हूँ, ये पेपर पे साइन कर दीजिए और मैं आपका पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट करवा दूंगा। दोस्तों बहुत बड़ा हथियार यूज किया जाता है उन बीमा धारक के नॉमिनी के साथ में जब क्लेम पेमेंट होता है। दोस्तों दूसरी बात, दोस्तों मान लेते हैं, एग्जाम्पल इजूम कर लेते हैं कि हमारा इंडिया का चाइना और पाकिस्तान से बहुत अच्छा संबंध नहीं है, कल होकर के चाइना और पाकिस्तान ने हम दोनों के ऊपर हमला कर दिया और उसमें हो सकता है कि हमारे कुछ नागरिक मारे गए, कुछ बीमा धारक मारे गए, हमारे भी हो सकते हैं और दूसरे प्लेयर के भी हो सकते हैं, उस केसेज में क्या होगा? क्या प्राइवेट प्लेयर क्लेम पेमेंट करेगा? दोस्तों मेरे सामने ऐसे सैकड़ों मिसाल है जो आज से 4 साल या 5 साल पहले जो उत्तराखंड में त्रासदी आई थी, जहां पे हजारों की संख्या में लोगों को पता ही नहीं चला और इंश्योरेंस कंपनी ने LIC ऑफ इंडिया ने सिर्फ अपने एजेंट को बोला है कि जो जहां पे जिस स्थिति में है सिर्फ आप कंफर्मेशन लेटर दे दो, एजेंट भाई मेरे आप कंफर्मेशन लेटर दे दो कि इस व्यक्ति की डेथ हो गई है, उस व्यक्ति की बॉडी नहीं मिल पा रही है, हम आपके गारंटी पे इसको क्लेम पेमेंट कर देंगे। दोस्तों इसके अलावा तीसरा केस हमारे ही एक मित्र के द्वारा केस किया गया था, एक पुलिस इंस्पेक्टर थे मिस्टर मुकेश शर्मा, मिस्टर मुकेश मोहन शर्मा, जिनको आपने सुना होगा कि दिल्ली में आज से 12-13 साल पहले कोई आतंकवादी गतिविधि को कंट्रोल करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे एरिया में जाकर के इनकाउंटर हुआ था क्रिमिनल के साथ में, जिसका भी कुछ दिन पहले जजमेंट भी आया है हाई कोर्ट के द्वारा, और उसमें उस मोहन शर्मा जी की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, उस मृत्यु में उनके डेथ के 24 घंटे के अंदर में LIC ने उसको पेमेंट पहुंचाया है द्वारका उनके निवास स्थान पे, जिसके साक्षी हम भी हैं। चौथा दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले, कुछ महीने की पहले बात करना ठीक नहीं, साल भर से ज्यादा हो चुके हैं, जो हमारा एक दिल्ली पुलिस के कर्मचारी थे जिनको कुछ लोगों ने मॉब लिंचिंग करके दिल्ली के जैसे एरिया में, पूर्वी दिल्ली के कुछ एरिया था जहां पे काफी दंगा फसाद हुआ था, वहां पे मार दिया गया था। दोस्तों सेकेंड डे उनके अकाउंट में, उनके नॉमिनी के अकाउंट में उनको अमाउंट पे कर दिया गया था। तो दोस्तों क्लेम के मामले में LIC और भारतीय जीवन बीमा निगम, बस आप अभिकर्ता एक दूत की तरह आप उस परिवार के साथ में रहिए, क्लेम सेटलमेंट में, क्लेम पेमेंट करने में, क्लेम सेटलमेंट जैसा वर्डिंग LIC में नहीं होता है, क्लेम पेमेंट करने में LIC इंडिया नहीं वर्ल्ड की टॉप ऑर्गेनाइजेशन में है। जितना बड़ा क्लेम आता है और उसको कितनी उदारता और कितनी अच्छे भाव से हमारे जो ऑफिसर होते हैं क्लेम को सेटलमेंट करते हैं, क्लेम पेमेंट करते हैं, ये सब सभी आप दोस्त उसके साक्ष होंगे। दोस्तों तीसरा प्रमाण आता है कि आपने जब प्राइवेट प्लेयर से इंश्योरेंस परचेज कर रहे थे उस समय आपने डिक्लेरेशन में दिया था कि आप कोई अल्कोहल यूज नहीं करते हैं। चौथा, आप कोई स्मोकिंग नहीं करते हैं। पांचवा, आप स्केटिंग या इस तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेज में या इस तरह का काम नहीं करते हैं, या कोई आप खतरनाक खेल नहीं खेलते हैं, क्रिकेट फुटबॉल नहीं खेलते हैं। दोस्तों भगवान न करे उसमें से एक मित्र ने क्रिकेट खेलने के लिए गया और क्रिकेट की बॉल उसके सर पे लग गया और बॉल लगने से उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज से उसकी नेचुरल डेथ हो गई, वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं करेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के डिक्लेरेशन में कहीं भी नहीं था कि ये व्यक्ति
क्रिकेट खेलता है, ये व्यक्ति स्मोकिंग करता है, ये व्यक्ति अल्कोहल यूज करता है, शराब पीता है। दोस्तों अगर ऐसा होता तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए अलग अलग रिस्क कंपोनेंट प्रीमियम को ऐड करके उसका प्रीमियम लेता। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोग सिर्फ सस्ते की तरफ अपने ग्राहक को जाने देते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं, आप और हम उनको जाने देते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, जब भी प्राइवेट, जब भी हमारा ग्राहक टर्म इंश्योरेंस की बात करें, दोस्तों ये सच्चाई आपको उनके सामने बतानी पड़ेगी, ये एक एक बातें आपको उनके सामने रखनी पड़ेगी। दोस्तों मैं आज की इस मीटिंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, मैं इसके लिए आपसे क्षमा भी मांगता हूं, लेकिन दोस्तों जो मेरे मन में भाव था, जो मेरे मन में अनुभव था, जो मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव रखा है, वो आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। दोस्तों परसों का जो कार्यक्रम हम रखेंगे उसमें हम एक प्लान प्रेजेंटेशन भी रखेंगे आपके सामने, जिसमें कि टर्म इंश्योरेंस के ऊपर रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस के साथ में हमने आपको प्रेजेंटेशन देंगे और उसके ऊपर विस्तार से बताएंगे। दोस्तों बहुत संक्षेप में, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत संक्षेप में आज हमने प्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहा हूं, और कई मित्रों से मुझे सीखने को मिलेगा इसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है और क्या आप अनुभव करते हैं इस बारे में, और क्या जो हमने आज आपको जानकारी दी है ऐसा कहीं आपने सुना देखा या आपके अनुभव में आया है, तो अगर ऐसा है तो आप मुझे इसकी पुष्टि जरूर करेंगे, जिससे कि हमें भी इस बात को करने में आगे मजबूती हासिल होगी। दोस्तों इसी के साथ में मैं आज का एक कार्यक्रम जो मुझे बोलना था वो मैं समाप्त करूंगा, और आप सभी दोस्तों से प्रार्थना करूंगा कि आप इस सब्जेक्ट के ऊपर एक एक या दो दो क्वेश्चन जरूर पूछ लें, जिससे कि हमारे सारे मित्र लाभान्वित हो सके। धन्यवाद दोस्तों। सर एक क्वेश्चन है। जी आयुष जी। सर ये कोविड से जो डेथ होती है ये नॉर्मल में आएगा या फिर एक्सीडेंटल में आएगा? आयुष जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक मिनट के लिए बस। आयुष जी किसी भी ऐसे महामारी को, आयुष जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज, किसी भी ऐसे महामारी को जिसको WHO ने विश्व महामारी घोषित कर दिया, उसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो जो 100 कॉलम हमने आपको बताए थे उस कॉलम में, उसमें 99.999% प्राइवेट प्लेयर के द्वारा नो होता है, उसको उस तरह के क्लेम नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वर्ल्ड पैरामीटर पे फैक्ट है। लेकिन LIC जैसी ऑर्गेनाइजेशन, आपके सामने प्रूफ होगा कि LIC जैसी ऑर्गेनाइजेशन अपने कोरोना से मृत हुए बीमा धारक को भी पेमेंट किया जा चुका है। अगर उसका आपको लिस्ट चाहिए, आप अपने क्लेम डिपार्टमेंट से, आप अपने डिविजनल ऑफिस से, आप अपने जोनल और सेंट्रल ऑफिस से डिमांड करके ले सकते हैं। तो IUC प्राइवेट प्लेयर पे नहीं करता है और भारतीय जीवन बीमा निगम पे करता है, इसके प्रमाण भी हैं। जी IUC कोई दूसरा क्वेश्चन है तो पूछा जाए। मैडम सर ये पूछना है जैसे कि कौन से केस में आएगा, जैसे कि एक्सीडेंटल में आएगा या नॉर्मल डेथ में? नेचुरल डेथ में आएगा दोस्त, ये जो डेथ आएगा ये डेफिनेटली नेचुरल डेथ क्लेम हम पेमेंट करेंगे, हम इसमें एक्सीडेंटल डेथ क्लेम पेमेंट नहीं करेंगे। जी सर एक क्वेश्चन और पूछना था, जरूर पूछिए। जैसे हम लोग की अगर एजेंसी हम लेते हैं तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होता है LIC HFL में? जी मित्र आज का कार्यक्रम बिल्कुल होम लोन के ऊपर नहीं है, तो आगे जब हम होम लोन का कार्यक्रम रखेंगे तो आप उसमें पूछ लीजिएगा, या आप जहां पे भी हैं, किस सिटी से आप बात कर रहे हैं? सर बरेली से। बरेली से, तो बरेली में, बरेली में मेरे हिसाब से होम लोन हमारा ब्रांच नहीं है बरेली में, हमारा लखनऊ और सर। जी LIC HFL है सर। LIC HFL है, तो एक बार आप ब्रांच में विजिट कर लें, अगर ब्रांच के कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम और नंबर चाहिए तो मुझे कल दिन में आप चैट पे मुझसे ले लीजिएगा, मैं कंसर्न पर्सन का नाम नंबर आपको दे दूंगा बरेली का, तो आपसे संपर्क करके आप वहां से काम कर सकते। जी मित्र आगे कोई और क्वेश्चन? और किसी मित्र का? जी सर टर्म इंश्योरेंस हम क्यों लें, मतलब उस लेने का फायदा क्या है सर? जैसे नॉर्मल हम इंश्योरेंस लेते हैं
तो उसका फायदा है समझ में आ रहा है, एक्सीडेंटल है सब कुछ है जी, इसमें टर्म इंश्योरेंस का क्या फायदा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं जी, जानना जी, 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 चटर्जी साहब। दोस्तों आप चटर्जी साहब के बात पे बिल्कुल आश्चर्य मत करिएगा, हम सब में से यहाँ से सबसे गणमान्य लोगों में से हैं उम्र के हिसाब से, लेकिन इन्होंने अभी कुछ ही समय पहले इंश्योरेंस का कारोबार शुरू किया है और ज़्यादा इनका अनुभव नहीं है, इसलिए इन्होंने इस तरह के क्वेश्चन पूछा है, तो आप कोई मित्र इनको दूसरे ढंग से नहीं सोचेंगे। चटर्जी साहब क्या होता है कि टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि एक कम प्रीमियम में बड़ा समय सूट देना जी, ठीक है। मान लेते हैं आप किसी व्यक्ति का अगर 25 लाख का कोई भी टेबल देते हैं, चाहे आप जीवन लाभ देते हैं, जनन देते हैं, या इंडोमेंट देते हैं, या जीवन उमंग देते हैं, तो उसमें प्रीमियम डिफरेंटली 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख के आसपास में ईयरली आता होगा, जबकि उसमें नेचुरल डेथ कवर कितना होगा 25 लाख का, एक्सीडेंटल 50 लाख का, है ना। जबकि कोई व्यक्ति अगर 1 करोड़ का बीमा चाहता हो और चाहता हो कि हमें प्रीमियम कम से कम देना पड़े, तो इसके लिए चटर्जी साहब आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस है जिसका नाम है जीवन अमर, ठीक है। तो जीवन अमर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में जिसमें कि मिनिमम टर्म 10 साल का है और मैक्सिमम टर्म उसमें 40 साल का है, ठीक है चटर्जी साहब। मिनिमम बीमा राशि 25 लाख का है और मैक्सिमम बीमा राशि के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो उसमें अगर एक सामान्य तौर पे देखें, अगर एक 32 साल का आदमी है, 32 साल का एक व्यक्ति है और 40 साल की पॉलिसी लेता है जो 72 तक कवर करेगा, तो उनका लगभग 10,000 के आसपास में ईयरली प्रीमियम आता है, या हाँ 10,000 से 12,000 के आसपास में उनका ईयरली प्रीमियम आता है, जिसमें कि एक छोटे प्रीमियम में वो बड़ा कवर ले सकते हैं। दोस्तों प्रीमियम में थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन होगा, तो मैं परसों वाला प्रोग्राम में प्रीमियम अपडेट कर दूंगा, इसके लिए आप बुरा मत मानिएगा जी। जी चटर्जी साहब, तो कम प्रीमियम में एक बड़ा कवर देने को टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। तो जहां पे आपका ग्राहक बड़ा कवर चाहता और पेमेंट कम देना चाहता, तो आप उसको टर्म इंश्योरेंस के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी चटर्जी साहब, और कोई क्वेश्चन है चटर्जी साहब? नहीं सर। जी थैंक यू सर। जी वेलकम सर, वेलकम। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन? मैं सभी दोस्तों से एक एक दो क्वेश्चन का उम्मीद करूंगा, वो इसलिए क्वेश्चन मुझे इसलिए उम्मीद रखता हूं कि मित्र एग्जांपल के तौर पर हम 15 मित्र हैं और दो दो क्वेश्चन पूछेंगे तो हम लोगों के पास 30 क्वेश्चन और आंसर का बैंक हो जाएगा, तो इसलिए मित्रों मेरे निवेदन को आप स्वीकार करिएगा। जी सर, अगर टर्म प्लान लेते हैं तो उसमें जैसे कि डेथ हो जाती है, अगर नॉर्मल डेथ होगी तब भी मिलेगा उसमें जी, और एक्सीडेंटल होगा तब भी मिलेगा जी, दोनों किस्म मिलता है जी। अगर आप फिर से समझ लीजिए कि इसमें ना जो टर्म इसमें नेचुरल डेथ कवर का अलग प्रीमियम होता है और एक्सीडेंटल डेथ कवर का अलग प्रीमियम होता है, अगर आपने पॉलिसी लेते समय अपने ग्राहक को दोनों कवर दिया हुआ है तभी एक्सीडेंटल डेथ में डबल अमाउंट मिलेगा उनको। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 1 करोड़ का आपने नेचुरल जैसे कि हमने जीवन नंबर प्लान दिया जी, 25 लाख की पॉलिसी दे दी, उस पर प्रीमियम आ रहा है 10,000, ठीक है जी, ठीक है सर जी। तो 10,000 आ, अब ये जो हमने पॉलिसी दी इस पर जो मिलेगा उस पर नेचुरल डेथ पे मिलेगा या फिर एक्सीडेंटल पे मिलेगा? आपने पॉलिसी देते समय क्या उनको एक्सीडेंटल डेथ कवर बेनिफिट का प्रीमियम लिया था? नहीं लिया था तो नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। अच्छा, प्लान उसके साथ में लेना है। हाँ हाँ, आप ध्यान रहे, मैं यही तो बार बार कह रहा हूं आपसे कि टर्म इंश्योरेंस के अंदर दोनों का प्रीमियम अलग अलग होता है। वो मैं आप अपना परसों वाला जो कार्यक्रम है 16 तारीख का जो कार्यक्रम हम रख रहे हैं उसमें आप जरूर ज्वाइन करिएगा और उसमें हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे इस कॉन्सेप्ट को जी। और कोई क्वेश्चन किसी मित्र का? आयुष जी अनम्यूट कर ले अपने आपको, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है आपके साथ जी। प्लीज कोई और मित्र कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हेलो जी सर, ये मैक्सिमम एज कितनी है मैक्सिमम एज कितनी है जीवन अमर के लिए? देखिए जीवन अमर जी, हेलो सर, आप मैक्सिमम किस एज तक अपना रखेंगे? राजेश जी आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब होकर आ रही है, मैंने आपका एज तो सुन पाया हूँ कि मैक्सिमम एज एट एंट्री क्या होती है,
तो इसमें एज मैक्सिमम मैच्योरिटी मतलब मैच्योरिटी कह दीजिए एक तरह से क्या होती है उस केस सर, इसमें मैच्योरिटी नहीं होती, हम छोटी नहीं कमर। ठीक है राजेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, मैं जवाब देता हूं आपको। राजेश जी अनम्यूट कर लीजिए जी, थैंक यू राजेश जी। राजेश जी इसमें जो मिनिमम एज एट एंट्री है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज एट एंट्री एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, मैं परसों वाला प्रोग्राम में आपको बता दूंगा। लेकिन एक चीज में जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि इसके अंदर मैक्सिमम एचओटी मैक्सिमम मैच्योरिटी क्या होती है, तो याद राजेश जी इसमें मैच्योरिटी नहीं होती, इसमें फुल टर्म होती है। मैच्योरिटी का मतलब हम ये वर्ड समझ पा रहे हैं कि आप कोई दूसरी ऐसी पॉलिसी कर रहे हैं जिसका मैच्योरिटी के ऊपर पूरा कुछ अमाउंट मिलना है। तो राजेश जी इसमें कोई अमाउंट नहीं मिलता टर्म इंश्योरेंस में, टर्म इंश्योरेंस में उस एज तक सिर्फ रिस्क कवर रहता है, चाहे आपने एक्स्ट्रा रिस्क कवर ले रखे हो या आपने एक्सीडेंटल के साथ में ले रखे हो, तो दोनों कवर उनको मिलेगा और वो कवर रहेगा मैक्सिमम एज एट मैक्सिमम एज एट इंश्योरेंस कवर 80 तक, 80 साल की उम्र तक मैक्सिमम कवर होगा। तो ध्यान रहे अगर आपने एक 50 साल के व्यक्ति को पॉलिसी दिया है तो आपको 30 साल का टर्म दे सकते हैं उनको, यानी कि 80 तक कवर होगा, और एक 55 साल का दिया है तो उनको 25 साल तक दे सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, और मिनिमम टर्म आपके पास 10 साल का है, इट मीन्स कि आप 70 साल के व्यक्ति को भी टर्म इंश्योरेंस दे सकते हैं राजेश जी, 18 से 70। जी राजेश जी दूसरा कोई क्वेश्चन? राजेश जी थैंक यू सर, वेलकम सर, वेलकम। और कोई मित्र का क्वेश्चन, कोई और मित्र क्वेश्चन डालना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जगपाल सर, जगपाल सिंह साहब, हेलो, नमस्कार 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 नमस्कार। आज मैं पूछा था सर आईटीएल की से कैलकुलेशन होती है कि हम 3 साल की आयकर प्लान के वो किस हिसाब से हम उसको टर्म प्लान दे सकते हैं, तो आईटीएल कैलकुलेशन कैसे होती है, जैसे 3 साल की आयकर मांग रहे हैं विद फाइनेंशियल, मैं समझ गया कैलकुलेशन कैसे की जाएगी कि हम उसको कितना अमाउंट दे सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उससे पहले नरेश जी आपको ये समझना पड़ेगा कि हम किस एज में कितने की बीमा राशि देते हैं, है ना। तो पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा कि हम किस एज वालों को कितनी की बीमा राशि देते हैं। इसके लिए हम लोग फिर से कभी क्लास में रख लेंगे, पूरा फुल कार्यक्रम रख लेंगे 1 घंटे का। लेकिन मैं मोटा मोटी बता दूं कि अगर एक व्यक्ति है जिसका नाम राम है और उनका उम्र 30 साल है और उनका आईटीआर वो बिजनेस करते हैं, ठीक है नरेश जी? हाँ जी। और उनका उम्र 30 साल है और उनकी पिछले साल की इनकम 7 साल थी 2017-18 की, 18-19 की 8 लाख थी और 19-20 की 9 लाख थी। तो आप ध्यान से समझ लें कि तीनों साल का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एवरेजिंग आपका 7 लाख का बैठता है या 8 लाख का बैठता है, और 32 साल का उम्र है तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 20, 8 × 16 यानी 1 करोड़ 60 लाख तक का आप उनको कवर दे सकते हैं अगर उनका मेडिकल अंडरराइटिंग और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग दोनों मजबूत रहती है। तो इसलिए आप मोटा मोटी इस बात को समझ लें कि जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ेगा आपका जो हमने 20 गुना दिया है 32 साल वाले बच्चों को उसको हम उम्र के हिसाब से कम करते चले जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे एक अगर 50 साल के व्यक्ति है तो हम उनको हम 10 गुना से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, ठीक है नरेश जी? तो इस पॉइंट को समझ लेंगे तो उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हम किस एज वालों को कितना कवर हम लोग दे सकते हैं। अभी सर छोटा सा एग्जांपल है, अभी 53 की एज में मैंने एक टर्म प्लान दिया था तो मेरे सीनियर ने मुझे अमाउंट बताया 25 गुना हम कर सकते हैं। अब पार्टी को 1 करोड़ की जगह उसको 50 लाख का बीमा मिला, अब पार्टी वो मना कर दिया उन्होंने नरेश जी। अब मैं देख के मैंने सोचा तो मेरे बॉस को नॉलेज नहीं थी, मुझे समझ नहीं आया सब, अब 50 लाख का 50% का फर्क पड़ गया नरेश जी। मैंने जो अभी आपसे बात करी, मैंने अभी जो बात किया ना आपसे, देखिए नरेश जी मैं बड़ा बड़ा सम्मानित मानता हूं उनको जिन्होंने आपको LIC में लाया होगा, तो मैं इस शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकता कि उनको नॉलेज नहीं होगा। हाँ लेकिन लेकिन जो मेरा ज्ञान कहता है, देखिए हर व्यक्ति के अपने अपने पैरामीटर है ना, तो मेरा ज्ञान कहता है कि 53 वालों का भी मैंने क्या बोला आपको,
50 वाले को क्या बोला था? हाँ जी हाँ जी, 10 गुना से ऊपर आप बिल्कुल सही बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो अगर उनकी 50 साल से ऊपर एज थी और 5 लाख का आईटीआर था तो मैक्सिमम 50 लाख ही देना था। हाँ, अगर आप चाहें तो उसको 1 करोड़ दे सकते हैं। 1 करोड़ देने के लिए आपको एक बहुत अच्छा दोस्त भी चाहिए जो 1 करोड़ के लिए प्रपोजल आपको बना सके। हमें उसको सिद्ध करना पड़ेगा इस व्यक्ति की एक्चुअल ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ध्यान रखें दोस्तों मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू 50 लाख नहीं 500 करोड़ है। और 500 करोड़ उसको मिलेगा, आपको दिखाने आना चाहिए, आपको बताने आना चाहिए, वो चीज आपको सीखना पड़ेगा। और ये चीज कम से कम आप जिस तरह हम लोग ग्रुप में बात कर रहे हैं ना, कभी ना कभी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे, सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, तब हम लोग सीखेंगे समझेंगे और बड़े बड़े प्रपोजल पे काम करेंगे। दोस्तों मैं निवेदन करूंगा आप सभी भाइयों से कि कोई एक ऐसा दोस्त निकल के आए जो 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ का प्रपोजल डाले, जिससे कि ये नहीं मैं इस बात में विश्वास करता कि उसको पॉलिसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं इस बात में विश्वास करता कि आपके कोर में 500 करोड़ का एक पॉलिसी टाइप तो होगी। और जिस दिन दोस्तों आपके कोर में ना 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ की पॉलिसी टाइप होगी, उस दिन जो आपका मान सम्मान ब्रांच डिवीजन और सेंट्रल ऑफिस में बढ़ेगा, उसका प्रीमियम जमा होगा, और उस ग्राहक की बारे नजर में जो आपकी वैल्यू बढ़ेगी दोस्तों, वो अमूल्य चीज होगी। ठीक है दोस्तों, आगे कोई और क्वेश्चन? सर जी, सर नमस्कार। अशोक सर कैसे हो? सर बढ़िया है जी। अशोक जी सर, हमारे इधर नेता लोग ज्यादा है, 6 करोड़पति है, अरबपति है। हाँ। तो उन लोगों को भी बन पाएंगे देना ना? जो नेता लोग है ना उनके अभिनेता को पकड़ना है आपको, ध्यान रखिए। नेता लोगों को पकड़ने से आपको पकड़ में नहीं आएगा, ये लोग तो मछली है मछली, आप इधर से पकड़ोगे उधर से निकल जाएंगे। आपको नेताओं को पकड़ने के लिए उसके अभिनेता को पकड़ना पड़ेगा, और अभिनेता का नाम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है सर भाई, अगर आपको देश की गद्दी पे राज करना है तो आपको रास्ता उधर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर नेताओं के ऊपर आपको राज करना है, नेताओं के ऊपर आपको अपना बिजनेस करना है, तो आप उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से दोस्ती कर लो। और दोस्ती फ्री वाला बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दोस्ती टका वाला होना चाहिए। टका टक देंगे, टका टक काम आएगा। ठीक है, वही उलझाएगा, वही काम करेगा, आपको सिर्फ कोर्ट बिजनेस मिलेगा। हाँ, आपको सिर्फ बिजनेस मिलेगा। तो दोस्त देने वाला बनो, बांट के खाओ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अशोक भाई। अशोक भाई आप कमेंट आज मैं पढ़ाऊंगा आपका यूट्यूब पे, शानदार कमेंट रहा, आप इसी तरह हौसला अफजाई बनाते रहिए हम लोग। जी दोस्तों जी, थैंक यू अशोक भाई जी। और कोई क्वेश्चन? मैं निवेदन कर रहा था जगपाल सिंह साहब से, जगपाल सिंह साहब बात हो सकती है क्या? सुन रहा हूँ। धन्यवाद जगपाल साहब, मैं आपके तरफ से एक दो क्वेश्चन का उम्मीद कर रहा था, या कुछ हमें हमारे बच्चों को कुछ गाइड ही कर दीजिए आप ही। नहीं नहीं सर, आज मैं पहली बार अटेंड जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जगपाल साहब। एक मेरा क्लाइंट कार इंश्योरेंस के लिए आ रहा हुआ था। हाँ जी, अच्छे और अच्छी तरह से दिला दूंगा। वो कुछ प्रीमियम 1 करोड़ के लिए कह रहा था वो जी, लेकिन उसकी एकदम कुछ कम है, तो उसे 80 लाख तक ही दे पाऊंगा। सर ना देखिए, दूसरा क्वेश्चन आ गया कि कम प्रपोजल मिल रहा है। मित्र मैं निवेदन करूंगा आपसे ना, आप अपने टीम में एक बढ़िया चार्टेड अकाउंटेंट से आप पार्टनरशिप ही कर लो, दोस्ती कर लो। अगर बड़ा केस करना है ना तो आप खुद नहीं कर पाओगे, ध्यान दें। आपको ना देखो, आपको अगर चाइना से लड़ना है तो क्या चाहिए आपको सिंह साहब, क्या चाहिए आपको चाइना से लड़ने के लिए? टेक्नोलॉजी चाहिए है ना, टेक्नोलॉजी चाहिए, सेना भी चाहिए, हथियार भी चाहिए, आपको मिसाइल भी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको बड़ा पॉलिसी करना है ना, तो आप ध्यान रखेंगे आप अभी करता है, और पॉलिसी की जो अंडरराइटिंग होती है ना, वो दो रूल से अंडरराइटिंग होती है, दो उंगली दिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पहला अंडरराइटिंग है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। और दूसरा है मेडिकल अंडरराइटिंग के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। यस एंड नो? यस यस यस। अगर यस है तो आप दोनों को दोस्त बना लीजिए,
मेडिकल लेटर राइटिंग वाले को भी, फाइनेंशियल लेटर राइटिंग को, दोनों उसको बिजनेस पार्टनर बनाइए, दोनों का आप अपने काम में अपने बिजनेस में हिस्सेदार बनाइए। और दोस्तों जिस दिन आपके बिजनेस में टाटा और बिरला हाथ पैसा लगा देगा, आप छोटे एजेंट रह जाओगे क्या? वही कह रहे हो, ठीक है, एक दिन में ही बड़े एजेंट बन सकते हैं सर, एक दिन में कुछ करो ना सर, कुछ करो सर, आप लोगों से बहुत उम्मीद है, आप लोगों से अगर बड़ा हूं तो सिर्फ आज्ञा दे करके और छोटा हो तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सर गठबंधन करो। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता थी कि गठबंधन का समय आ गया है, जब उन्होंने 13 दिन की सरकार बनाई थी और उन्होंने संसद में, मैं लाइव था उस समय टीवी के ऊपर, जब उन्होंने रोया तो नहीं था लेकिन हंसते हुए बात कहा था कि वो दिन दूर नहीं है कि आज मैं एक वोट से गिरा हूं, वो दिन दूर नहीं है कि जब लोग, आप लोग एक एक वोट के लिए तरसो। दोस्त मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा ही जज्बा हम दोस्तों के अंदर आए ना, कि हम लोग 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, 500-500 करोड़ की प्रपोजल डाले और विपक्षी पार्टियां, दूसरी कंपनियां लालायित रहें कि कहां से आता है चीज। तो दोस्तों उसके लिए ना आपको क्या चाहिए, आपको ना चार चीज चाहिए, बहुत सीधी सी बात है, बहुत साधारण सी बात बता रहा हूं आज के दोस्त में, आपको चाहिए साम दाम दंड भेद, चाणक्य की उस बिहारी की चारों नीति आपको अपनानी पड़ेगी, जिसको नीति को चाणक्य नीति कहते हैं। दोस्तों ये कोई सर्विस नहीं है, ये बिजनेस में आप आए हो और बिजनेस में ये सब लेके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों? और कोई क्वेश्चन? बड़ा करो दोस्त, बड़ा सोचो, 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़ कोई सोच सकते हैं तो बात करेंगे आगे जी। कोई क्वेश्चन आता है क्या किसी मित्र की तरफ से? सर एक बात पूछ रही थी, क्या टर्म प्लान और जीवन आनंद हम कंपैरिजन कर सकते हैं अगर सामने वाले को बेचना चाहे, क्यों मुझे ऐसा लगा कि अगर 35 साल का कोई टर्म प्लान ले रहा है और तुम क्यों ना उसको जीवन आनंद बेच दिया जाए, छोटी सर ऐसा है आपके हाथ, आप कलाकार हो और आपका ग्राहक आपका दर्शक है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए मेरी भाषा में, कला आपको करनी है, प्रदर्शन आपको करना है और दर्शक आपका देख रहा है, कौन सा कला, कौन सा तरीका, कौन सा प्रेजेंटेशन, कौन सी पॉलिसी कस्टमर को भा जाएगी इसकी कोई गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन एक बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आपने अगर कलाकारी अच्छी करी, आपने प्रेजेंटेशन अच्छा किया, आपने वे ऑफ टॉकिंग अच्छा रखा, आपने रिलेशनशिप अच्छा रखा, तो जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। जीवन आनंद चाहो, जीवन आनंद हो जाएगा, अच्छा ठीक है, टर्म इंश्योरेंस चाहो, टर्म इंश्योरेंस हो जाएगा, जीवन लाभ चाहो, जीवन लाभ हो जाएगा। और सर टर्म इंश्योरेंस में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत फाउंडेशन लगी बढ़िया है सर, जीवन हम कर दो हम सॉर्ट बढ़िया है सर, ऐसा है टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ना जब तक कस्टमर नहीं मांगे ना आपका। दोस्तों मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, उसको बुरा मत मानिएगा, मैं प्रयोग कर रहा हूं मेडिकल स्टोर की, मैं क्षमा चाह के शब्द बोलता हूं, कठोर शब्द है, मेडिकल स्टोर पर ना एक शब्द, एक प्रोडक्ट मिलता है उसका नाम है कंडोम, मिलता है सर, बोलो ना, अरे आवाज ही नहीं है, मिलता है, दुकानदार उसको दिखा के रखता है क्या? क्या दुकानदार जो मेडिकल स्टोर वाला होता है उसको सामने प्रदर्शित करके रखता है क्या? वो जब तक तो करके जी, हाँ सर, लिफाफा वगैरह में, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर जो टर्म इंश्योरेंस है ना वो आपका भी वही चीज है, ठीक है मित्रों? अच्छा समझ गया। जब तक कस्टमर मांगे नहीं, ना दिखाने का, ना बताने का, ना बोलने का, ना समझाने का, जब कस्टमर उतर जाए गंदगी पे तो आपको धो डालने का, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन किसी दोस्त का। थैंक यू मेरे भाई। अगला क्वेश्चन किसी मित्र का। जी 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 सिंह साहब हुक्म करें। बंद जी
10 बज गए, भूख लग गई इस आपको। हाँ सर, चलने की तैयारी करेंगे। कुछ मित्र का क्वेश्चन रह गया होगा, एक दो पूछ लेते हैं। हाँ दोस्त, किसी का है कोई क्वेश्चन? दोस्त एक बहुत ही प्यारा भाई हमारे सामने निकल के आ रहा था, इनका नाम था अरविंद पंचोर साहब। अरविंद जी कुछ बोलेंगे? और मोहन सुवानी जी, मोहन जी और अरविंद जी अगर सुन पा रहे हैं तो नमस्कार स्वीकार करें और कुछ क्वेश्चन बनता है आपके तरफ से पूछा जाए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज के संध्या में जुड़ने के लिए। मैं फिर से क्षमा चाहूंगा, मैं देरी से जुड़ पाया हूं। परसों 16 तारीख का कार्यक्रम रहेगा, टर्म इंश्योरेंस विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, सब्जेक्ट वही रखेंगे, ध्यान रखिए। मोहन सर लाइन पे आ चुके हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? मोहन सर नमस्कार। नमस्कार सर। मोहन सर आज का कार्यक्रम के ऊपर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, आज के कार्यक्रम के ऊपर कोई कमेंट्स और कोई हम लोगों के लिए जानकारी? नहीं नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन बनता है आज के सब्जेक्ट पे आपके तरफ से? नहीं नहीं, वो तो समझ गया मैं तो। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों आज का कार्यक्रम समाप्त करने के लिए हम आपसे आज्ञा लेंगे और आप सभी मित्रों का दिल से आभार प्रकट करेंगे कि थोड़ा विलंब के साथ में भी आपने हमें सुनाने का मौका दिया और आप लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके हमारे ज्ञान को भी वृद्धि प्राप्त कराया। 16 तारीख का शाम के 8:30 बजे का कार्यक्रम रहेगा, टर्म इंश्योरेंस विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, टर्म इंश्योरेंस विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। दोस्तों किसी और मित्रों का कुछ क्वेश्चन हो तो उसी में रख लेंगे, पॉइंट को नोट कर लिया जाएगा, हम आज वाले क्वेश्चन को भी परसों ही क्लियर कर लेंगे। दोस्तों इसी के साथ में हम आपसे आगे आ लेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद, धन्यवाद सर, वेलकम सर, वेलकम, नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते 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 सर, नमस्कार जी, नमस्कार जी।